दोस्तों, आज अपने पास ये एक सैमसंग कंपनी की टीवी रही। इसको चेक करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। फिलहाल तो इसको हमने पावर लगा दिया है सीरीज में, और यहाँ पर ना तो लाइट आ रही है और ना ही इसमें लाइट जाने का हमको मतलब संकेत मिला हो। सीरीज बल्ब जला नहीं तो कैसे हम जान सकते हैं कि इसमें लाइट गई हो या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं और सही करते हैं। तो फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए इसी तरह के नए नए वीडियो के और फॉल्ट के वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। तो इसका हमने यहाँ पर बॉडी खोला। ओ, ये क्या मतलब सैमसंग के नाम पे ये इसमें पीसीबी लग चुकी है दोस्तों, चाइना किट। तो चलिए इसी को सही करते हैं। फिलहाल जो है बॉडी को मैंने एक साइड रख दिया है, और पीसीबी को बाहर निकालने से पहले यहाँ पर मैं ध्यान से देख लेता हूँ कहीं काउंटर पे अपने कहीं पर रंगा वगैरह या नट बोल्ट ना हो कुछ भी। ठीक है, जो था मैंने उसको साफ कर दिया अच्छे तरीके से, और पीसीबी को बाहर निकालते हैं। पीसीबी अभी देखने में नई ही लग रही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, बट डेट नहीं है पीसीबी पर कहीं भी। ESD इसका दोस्तों काफ़ी छोटा हो चुका है, इसलिए PCB ज़्यादा पीछे नहीं आ रही है, और इस TV में ज़्यादा भी बड़ी कमी भी नहीं है। ठीक है, TV खोलते ही मालूम हो गया क्या दिक्कत है इसमें। तो ज़्यादा PCB को हिलाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ESD इसका यहाँ से वायर ब्रेक है, और ESD देखते हैं बहुत छोटा है, बिल्कुल टाइट है। ओके, और यहाँ पर कमी मैं आपको दिखा दूँ, तो कमी देखिए यहाँ पर ये NTC दोस्तों बिल्कुल ही गल गया है। ये देखिए, मैंने जैसे इसको हाथ से पकड़ा, ये चूर चूर होके इस कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। NTC अपना 10D20 इसका नंबर है। ठीक है, बहुत आसानी से मतलब आराम से। ठीक है, यहाँ पर NTC अपना हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये NTC निकाल दिया है, बस थोड़ा सा होल यहाँ पे क्लियर नहीं है, इस होल को मैं क्लियर कर लेता हूँ। थोड़ा सा कैमरा और नीचे कर देता हूँ ताकि आपको और साफ साफ दिखता रहे जो मैं कर रहा हूँ। चलिए, होल क्लियर हो गया ये दोनों। इसकी जगह मैं एक NTC लगा लेता हूँ अपना। तो मैं कोई पुरानी NTC लगा रहा हूँ, किसी PCB में से निकाल कर जो अच्छी क्वालिटी की हो। ठीक है, सो यहाँ पर अपने पास एक ओनिडा कंपनी की PCB रही, इसमें एक अच्छी NTC यहाँ पर लगी हुई है। ये काफ़ी हैवी है, तो मैं इसको यहाँ पर निकाल के लगा रहा हूँ। अगर आपके पास NTC ना हो तो आप कोई जम्पर जैसे फ्यूज की तरह काम करे, बस वही लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ। यहाँ पर NTC अपनी लग चुकी है, इसको सोल्ड कर लेते हैं। और अब इसको हम पावर इनपुट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन कहता है। यहाँ पर हम अपना पावर का जैक लगा रहे हैं, और ये आगे रिमोट का मतलब LED भी कह सकते हैं हम, और ये साउंड का। ठीक है, तो पावर इनपुट करते हैं, अब मालूम हो जाएगा अगर सीरीज बल्ब जलेगा तो। फिलहाल यहाँ पर PTC का वायर नहीं जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हमने जोड़ा तो देखिए 100 वाट का बल्ब था, ये ग्लो कर गया पूरा। ठीक है, 200 करते हैं इसको, स्विच मैंने ऑफ किया तो 200 हो जाएगा अपना। देख सकते हैं सीरीज बल्ब 200 वाट चला गया है। और यहाँ पर अगर हम आगे डिस्प्ले पर देखें तो TV ऑन हो चुकी है अभी तक। तो ऐसा करते हैं, TV को सामने से घुमा लेते हैं और वीडियो इनपुट करके देख लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर पीटीसी का जैक नहीं लगाया गया है, तो हम भी नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाना चाहें तो चेक कर लीजिए आपका पीटीसी सही है या नहीं। ठीक है, तो बॉडी में ही अपना ऑडियो वीडियो का जैक लगा है, तो बॉडी को मैं उठा के पैक करता हूँ और उसी समय हम चेक करेंगे कि वीडियो सही चल रहा है या नहीं। तो ठीक है, पहले आधा बॉडी लगाकर, मतलब पैक नहीं करेंगे, स्क्रू नहीं लगाएंगे, बस वीडियो लगा के चेक कर लेते हैं कि सही चल रहा है या नहीं टीवी। ओके, तो फिलहाल मेरे पैर के लगने की वजह से इसका वायर टूट गया, तो इस वायर को जोड़ लेता हूँ। तब तक मैं वीडियो रोक देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी बॉडी को यहाँ पर लगा लिया है और ऑडियो वीडियो का जैक भी लगा लेते हैं और सबसे पहले पावर इनपुट करते हैं। तो पावर यहाँ पर लगाने के बाद अब हम वीडियो का केबल लगा लेते हैं बैक साइड से। तो किस हिसाब से इसका वीडियो का कनेक्शन है देखते हैं। फिलहाल तो सही है, सिग्नल लगा लेते हैं। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ठीक है, बस थोड़ा सा ESD ज्यादा है, या फिर हम रिमोट से ब्राइटनेस भी कम कर देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी ब्लैक पट्टी की जगह व्हाइट पट्टी बन रही थी। ठीक है, अगर नहीं करें तो भी देखिए थोड़ा सा है ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक है, प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो चुकी है। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।